नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके चैनल हमारे चैनल में। और अभी हम पहुंच गए हैं नंदन पहाड़। एकदम माहौल है भाई स्विमिंग का। और सबसे पहले लगा लिए हम ये सरसों तेल और झकास एकदम देह हाथ में लगा लिए, मल लिए और तैयार हैं हम एकदम। इसका भी जो है मछली को भी हम लोग दाना दे रहे हैं। देखिए इन्हीं सौजन्य से आता है। वाह, अरे बाप, अलग गजब रे। यह यही मछलिया है। गजा गजा, अरे वाह, पते नहीं चलता है। नवीन जो है वो अपना डुबकी लगाए हुए है। आ गया नजदीक नजदीक, यही दीजिए नहीं सब आ जाएगा। यही आह आह आह, मैं तब तक अभी सन बात ले रहे हैं। पूरा बढ़िया सरसों तेल दे हाथ में लगा लिए हैं। हम मार देना है चमांग। अभी तो तैरना सीख ही रहे हैं, तो अभी जो है पेट में चुनरी बांध के थर्मोकॉल लगा करके पूरा सेफ्टी के साथ कूदना। सोच रहे हैं ना, पनीर तनीर और भी नहीं खाने। पनीर भी नहीं, पनीर है, आलू है। नहीं पनीर आलू नहीं खाने। स्विमिंग के लिए अपना सेफ्टी फीचर ले लिया है, पूरा थर्मोकॉल लगा के एकदम तैयार है। जानते क्या हुआ ज्ञान, यहाँ पे ऊंचा है इसीलिए आता नहीं ठोकाता। ऐसे जो है सीखने के लिए तैयार है हमारे गुरु ज्ञान। क्रिकेट में माही और हमारे ज्ञान शाही, देवघर में ज्ञान शाही। सबसे पहले शरीर को झुका के इधर झुका के ठीक कर लीजिए। मैं प्रहर गंगे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। आप सबसे डूबने की कोशिश देखिए, आप ही पर नंदन पहाड़ से नहा के निकल चुके हैं, स्विमिंग करके मस्त तरीके से, और बहुत बढ़िया। और अभी जो है आ गए हैं लालू का जमीन पर। यहाँ पे आया है कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी बेल का शरबत पियेंगे। आधा टीम अभी कार से निकल गया है। संडे को तो भाई बच्चों का भीड़ आता, भीड़ ऑफ होता है तो जबरदस्त लोग एकदम आते हैं। तो गाछ कटवा दिया, बाप रे, कड़ी पत्ता झूलस गया है तुम्हारा। यस आ गया भाई, सब लोग जो है हम लोग यहाँ बेल का शरबत मिजाज मानने के लिए। बेल का शरबत ले लिए, सूर्य स्नान किए, तेल लगा के हम तो देखा मालिश में देख लिया। ऐसे भी नंदन पहाड़ हम लोगों का बीच है, सारे लोग वहाँ वॉकिंग करते हैं। हम लोग जो है अंडरवियर पे तेल आराम से मालिश करके सोते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उसके बाद प्यार से आके बेल पीते हैं, और उसके बाद घर में जाके फिर अपना थोड़ा मोड़ा खा के काम में लग जाते हैं। सारा चीज हमारे गुरुदेव हैं लालू जी, उन्हीं के कारण ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान को वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ है। बिना चीनी का एक नंबर कचहरी, और इधर इंडोर स्टेडियम के बगल में मिलता है। सुबह आके बैठ जाते हैं ना जी। कै बजे सुबह आते हैं? 8 बजे। 8 बजे कै बजे तक? 5 बजे तक। एकदम यहाँ कचहरी के पास एक नंबर, बहुत शानदार है, एकदम गाढ़ा ओरिजिनल। सब सुबह 8 से लेकर के 5 बजे तक रहते हैं। कांट का गिलास है वो 20 रुपया गिलास, 20 रुपया ले लिया। छना गया एक नंबर, और ये जो है 10 टका वाला गिलास, ठंडा वाला फ्रीज वाला। बर्फ है और इसी के अंदर रखा था, इसमें ठंडा मिलेगा, उधर मिलेगा नॉर्मल। उधर सब्जी लेने के लिए 1/2 किलो झींगा, 1/2 किलो परवल दे दो। आ गए हैं घर और सब्जी लेकर के। सब्जी काटने में ये देखिए नेनुआ कट रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मूली, बैंगन, बैंगन। करे भाई थकावट भयंकर हो गया है। हमारे यहाँ जो दूध देते हैं वो ला के इतना इतना, बाप रे, इतना झींगा था। सब पहले आता तो बच जाता पैसों में, लेकिन कितना झींगा है, इतना बाप रे। ये खुशबूदार देख चुके हैं ढेरी बार। कल हम बोले कि नहीं बनाएंगे झींगा कटहर। अरे तुम सीझा हुआ बना रहे, इतना सामान आ गया, बाप रे बाबा। ये देखिए इधर ऑलरेडी जो है इतना सीझा हुआ तरकारी के लिए सब कट कुट के सब। लेकिन अब दिन से कद्दू को याद किया, आपके पास कद्दू आ गया हुआ, अब रात में बनेगा। अभी बहुत मेहनत है इसमें, सब फ्रेश है, ये सब फ्रेश। बीच वाला आइटम निकालिए,
ये गया भाई कस्टर्ड बन रहा है और एकदम फ्रूट से भर गया है पूरा भयंकर एक नंबर वन ऑफ माय फेवरेट। बीच वाला जो है इसका निकाल लिया जाता है इधर सब फेंका जाता है वेस्टेज वाला सब टाइम टेकिंग चीज है जो है पूजा वूजा हो गया एकदम बढ़िया हनुमान जयंती पर और अभी आ गया है नाश्ता नाश्ता ये आ गया भाई एकदम बॉइल्ड सब्जी ऑयल फ्री और ये सुबह का मेरा नाश्ता हो गए तैयार और अभी निकल रहे कुछ काम से ऑफिस जाना है स्टेडियम कुछ काम है वो सब करेंगे। देखिए भाई हम लोग आ गए हैं फैक्ट्री में जसीडी में हमारे मित्र का है और यहाँ ये सब बनता है जार सब जार एकदम यहाँ बनता है इधर जो है इधर आपको दिखाते हैं स्क्रैप स्क्रैप को पूरा बदल कर लोहा में ये देखिए जितना सारा ये सब स्क्रैप है सबको अंदर मशीन में दाब देता है कंप्रेस करके ऐसा करके लोहा बना देता है और इसमें जो है इस रड बनने में काम में आता है इतना स्क्रैप है अंदर मशीन है बारे भैया टेक्नोलॉजी। इधर ऑफिस है ये देखिए यहाँ एक डॉगी जर्मन शेफर्ड रॉट विल इधर देखिए सब छोटका छोटका जर्मन दोनों जर्मने हैं आप पूरा बेल सब इसमें है बड़ा बड़ा पूरा पूरा एकदम बगान है एक नंबर यहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ भी है बहुत सारा चीज का है जड़ी बूटी सब का लालू जो है एकदम सालार रोड व्हीलर्स के साथ घर में एक शानदार रिसोर्ट तैयार हो रहा है एक नंबर आज निकले पूरा घूमिए ले आज ये मानिकपुर के पास पहले STPI के पास बन रहा है एक शानदार रिसोर्ट देवघर का वाव सब अभी डेवलप होगा अभी गार्डन वगैरह ये सब रूम वगैरह बन रहा है इधर देखिए दो घंटा यहाँ मगर अंदर जाएंगे आइए देखिए स्विमिंग पूल आइए अंदर से हम रूम में से एंट्रेंस दे दिया स्विमिंग पूल ये देखिए भैया ठीक है गड्ढा पूरा है स्विमिंग पूल में डुबांग है भाई ये बच्चा लोग के लिए है वाट से कम है ज्यादा नहीं अच्छे है ना देख रहे हैं पता नहीं ज्यादा लग रहा है सोनार बंगला के टाइप में जो है तारापीठ में वैसा ही पूरा रूम पूरा स्विमिंग पूल फेसिंग वाह बढ़िया रिसोर्ट रूम अभी तैयार हो रहा है सब बेड उड गद्दा उद्दा आके रखा हुआ है हाँ और इधर जो है ये सब कपबोर्ड वगैरह है बाथरूम भी बढ़िया है बढ़िया है जी अच्छा दिया इंटीरियर अच्छा है यहाँ भी रिसोर्ट तैयार हो रहा है देवघर भी अपना भाई एक रिसोर्ट तो हुआ कम से कम एक मैयर है और ये है पहुँच गए अभी घर भूख बहुत जोर से लगा है मैडम बना रही है अभी गर्मा गर्म रोटी रोटी खाएंगे उस टाइम सिझुआ तरकारी खा के गए थे तो अब इसका मजा लेंगे अब बना है झींगा और दही दही और झींगा इसके साथ रोटी अरे ये माखी फिर ये उड़ फिर आ गया कितना थे अरे उड़े अरे हट 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 हट